मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों के लिए मुमरा शहर में आज दुआ मांगी गई। और आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में भूकंप की तबाही से करीब 11,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और हज़ारों लोग घायल और बेघर हो गए। और मुमरा के शादी महल गली में बड़ी संख्या में बूढ़े बच्चे जवान महिलाएं सभी लोग इकट्ठा हुए और भूकंप में मारे गए लोगों के लिए दुआ मांगी गई। हम मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी जहां तक सोच है कि अल्लाह हमसे बेहद नाराज़ है। लगता है ऐसा, हमको लगता है कि जब हमारे अमाल की वजह से सारे, जैसा हम बुज़ुर्गों से सुनते हैं, लोग बताते हैं कि जब अमाल से आदमी भटक जाता है, जो सही राह है ये देना सिरातल मुस्तकीम जिस पर हमको चलना चाहिए, अगर उस रास्ते से भटक जाता है अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं और बस्तियों की बस्तियाँ पलट देते थे। तो उसी शक्ल में हो सकता है ये जलजला उसी की शक्ल हो, एक नसीहत के लिए हो, जो लोग बच गए हैं उनके लिए एक नसीहत हो। लेकिन जो लोग भी जलजले में शहीद हो गए हैं, तकरीबन 10,000 के लोग, तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 लोग शहीद हो चुके हैं, उसमें दुआ का इसीलिए एहतमाम किया गया था कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत कर दे, उनको अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके कब्र को मुनव्वर कर दे, अल्लाह ताला कब्र के सवालात को उनको आसान कर दे। ये प्रोग्राम रखने का यही मकसद था। ये सीरिया हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे लिबनान हो, चाहे फ़लस्तीन हो, जहाँ जहाँ भी दुनिया में मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनके जान माल की हिफाजत फरमाए, मसाजिद की हिफाजत फरमाए, मसाजिद की मदारिस की हिफाजत फरमाए, खानकाहों की हिफाजत फरमाए, दरगाहों की हिफाजत फरमाए। वजह यह है कि आज तरह तरीके से, दुनियावी तरीके से भी लोग हम पर इतने ज़्यादा अटैक करते हैं, चारों तरफ से हम पर हमले करते हैं और तरह तरीके से मुसलमानों को पूरी दुनिया में परेशान किया जा रहा है। और ये तो खैर वो तो एक सिलसिला है, लेकिन अब एक हादसा हो गया है, जलजला आया था, एक हादसा हो गया, ये अल्लाह की तरफ से है। बस हम यही इसी सिलसिले में आज मेरे ऑफिस पर हमने ये प्रोग्राम को रखा हुआ था, दुआ का प्रोग्राम रखा हुआ था। तमाम बहनें बड़ी तादाद में आई थी, बुज़ुर्ग आए थे, नौजवान आए थे, मासूम बच्चे आए थे दुआ करने के लिए। हो सकता है अल्लाह ताला इसमें से किसकी दुआ कबूल कर ले और उनके मगफरत का ज़रिया बन जाए।